हे दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट के बारे में तो ढेरों ऐसी वीडियोस आपने देखी होंगी और वहाँ पे देखा भी होगा कि वहाँ पे थंबनेल पे लिखा हुआ है 45 लाख रुपए मिलेंगे, 48 लाख रुपए मिलेंगे अगर आप इतना इतना पैसा जमा करा रहे हैं तो। लेकिन एक सवाल जो हमेशा बना रहता है आपके दिमाग में कि अगर मैं अपनी सेविंग से 1,000 रुपये महीना जमा करा रहा हूँ तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, अगर मैं 1,500 रुपये महीने का जमा करा रहा हूँ तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, इसी तरीके से अगर मैं 5,000 रुपये महीने का जमा करा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर तो मुझे मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि 15 साल के बाद जो मुझे पैसा मिलेगा वो पैसा कितना होगा। तो आज आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं पूरी एक कैलकुलेटर के बारे में जो कि पीपीएफ अकाउंट को ही कैलकुलेट करता है, ब्याज दरें भी बताएगा, वो सारी चीज़ें आपको बताएगा किस तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से वहां पे आप अपने अमाउंट के अकॉर्डिंगली जितना भी आप पे करते हैं वो सारी की सारी आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर कश्यप। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल इसी तरीके का लाल कलर का बटन होगा इसी वीडियो के नीचे, जाइए जाकर के आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस डेली बेसिस पे अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, कई सारी वीडियोस बनाई हैं और वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कैलकुलेटर के बारे में तो यहाँ पे एक वेबसाइट है जो कि जिसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे साफ तौर पर आप देख सकते हैं सैम्पल एप्लीकेशन टू कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट अर्न्ड और योर पीपीएफ अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट की जो भी कमाई हुई राशि है वो आप देख सकते हैं या जो भी इन्वेस्ट करी हुई राशि है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सके आप देख पा रहे हैं योर फिक्स्ड ईयरली पीपीएफ अमाउंट, यानी कि जो भी आपका फिक्स्ड पीपीएफ ईयरली अमाउंट है, यानी कि अगर मैं बात करूँ 1,000 रुपये आप जमा करा रहे हैं एक महीने का, तो तकरीबन 12,000 रुपये आप जमा कराते हैं पूरे एक साल के अंदर। मैंने यहाँ पे 12,000 ही डाल दिया है और 12,000 के बाद मुझे कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करूँगा, जी देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरा अमाउंट मेरे पास आ गया है कि कितना अमाउंट हमें मिलेगा मैच्योरिटी के ऊपर 15 साल के बाद। दोस्तों, यहाँ पर पहले साल के अंदर पहले दिन से आपका अकाउंट बैलेंस होगा ज़ीरो, उसके बाद अकाउंट ओपनिंग बैलेंस आपका हो जाएगा 12,000 एक साल के बाद, यानी कि 1,000 रुपये आप जमा करा रहे हैं, इसके साथ साथ 12 महीनों के अंदर आपका 12,000। दोस्तों, उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, यानी कि जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा 912 रुपये का। टोटल बैलेंस आपके अकाउंट के अंदर जो होगा वो 12,912 रुपये का होगा। इसी तरीके से दूसरे साल के अंदर वो हो जाएगा, इसी तरीके से वो दूसरे साल के अंदर हो जाएगा 26,805 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 26,805, तीसरे साल में 41,754, इसी तरीके से 15वें साल के अंदर आपको मिलेगा तकरीबन 3,39,000 रुपया, 3,39,000 समथिंग आपको पैसा मिलेगा 15 साल के अंदर पीपीएफ अकाउंट के अंदर, अगर आप 12,000 रुपये साल का जमा करा रहे हैं, यानी कि 1,000 रुपये महीने का जमा करा रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसी तरीके से, अगर आप 1,50,000 रुपये महीने का जमा कराते हैं, माफ़ कीजिएगा, 1,50,000 रुपये अगर साल का अगर आप जमा करा रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,50,000 रुपये साल का जो कि ईयरली है, 1,50,000 रुपये साल का जमा कराने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सारा अमाउंट कैलकुलेट होकर के आ गया है। अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 रुपये होगा आपका, 11,400 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा आपका, यानी कि 11,400 रुपये का इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। टोटल बैलेंस आपके अकाउंट में हो जाएगा 1,61,400 रुपये। इसी तरीके से दूसरे साल के अंदर आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, टोटल जो बैलेंस हो जाएगा 3,35,066 रुपये। इसी तरीके से अगर आप 15 साल तक देखते हैं तो 15 साल के बाद आपको मिलेगा जो टोटल पैसा वो मिलेगा 42,48,239 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ये टोटल अमाउंट मैंने आपको बता दिया कि कितना पैसा आपको मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो जो बनाया है मैंने इस कैलकुलेटर के ऊपर बेस पे बनाया है और ये कैलकुलेटर के बारे में सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस कैलकुलेटर तक आप कैसे पहुँचेंगे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे वो डायरेक्ट आपको इसी कैलकुलेटर के ऊपर लेकर के आएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिलती है या थोड़ा सा भी आपको मज़ा आया वीडियो देखने में,
अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें हमारी अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लीजिए, इसी वीडियो के नीचे जाकर के लाल कलर का बटन है उसे अभी दबा दीजिए, जिससे होगा क्या फ्यूचर में जब कभी भी मैं कोई भी नई वीडियो लेकर के आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी PPF अकाउंट खोलना चाहते हैं, जो भी PPF अकाउंट में इंटरेस्टेड हैं आप उनके पास बता सकते हैं, उस वीडियो को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के ऊपर शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को फैला दीजिए। दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।